हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसे भी टाइम पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और ज़िंदगी की राह में मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आज हम लोग इसी मौज को लेने के लिए स्टार्ट करते हैं अपना सीएस एग्जीक्यूटिव का टैक्सेशन। पहले मैं आप लोगों को अपने सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ, कुछ अपने बारे में बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना काम फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को जानना ज़रूरी है, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट क्या कहता है, सब्जेक्ट में किन किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो किस पैटर्न पर पूछे जाएंगे, तब तक सब्जेक्ट को शुरू करना ठीक नहीं रहेगा। तो हम लोग पहले ऐसा करते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ सी अंकित वार्ष्णेय, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एकेडमिशियन, और मैं पिछले 8-9 सालों से गाइड कर रहा हूँ CA CS CMA कम्युनिटीज़ के एस्पिरेंट्स को। और चलिए, इतना मैं अपने बारे में बताकर आप लोगों को सीधे सब्जेक्ट पर लेकर चलता हूँ। स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के साथ में। हम जब बात करते हैं CS एग्जीक्यूटिव की, तो उसमें एक आपका पेपर आता है टैक्स लॉज। टैक्स लॉस का जो आपका पेपर है, वो बेटा आपका पेपर 100 मार्क्स का है। इस 100 मार्क्स में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQ होंगे। मतलब एक क्वेश्चन होगा और उसके आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, जिसमें से आपको सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, सावधानी से काम करना पड़ेगा। और सावधानी से क्या काम करना पड़ेगा कि एक्चुअली जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, पर अगर आप गलती से कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर देते हैं तो उसमें से आपके 0.25 मार्क्स जो होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब सपोज़ कीजिए कि आपने 5 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए और 1 क्वेश्चन जो था वो आपका गलत हो गया, तो 5 क्वेश्चंस के 5 नंबर मिलेंगे, प्लस जो 1 क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किया उसके लिए 0.25 माइनस हो जाएंगे। तो नेट में आपको जो नंबर्स मिलेंगे वो केवल 4.75 मिलेंगे। हाँ, आप उस क्वेश्चन को अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, तो ऐसे में आपको किसी भी तरीके से नेगेटिव मार्किंग फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो बेटा ज़रूरी है कि हमें अपनी चीज़ों को समझना। जब इस 100 मार्क्स की बात आती है, तो इस 100 मार्क्स में आप लोगों से 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। एक आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा आप लोगों से पूछा जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स भी आप लोगों से 50 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा पार्ट ए, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो भी आप लोगों से 50 मार्क्स के लिए ही पूछा जाएगा। डायरेक्ट टैक्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को इनकम टैक्स के बारे में पूछा जाएगा। डायरेक्ट टैक्स मतलब जब भी कोई टैक्स किसी व्यक्ति के ऊपर डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है और वही उसका बर्डन बियर करता है, तो ऐसे में उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इनकम टैक्स आप लोगों के डायरेक्ट टैक्स में पूछा जाएगा 50 मार्क्स के लिए। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, पे कोई और करता है, बर्डन किसी और के ऊपर पड़ता है, डेफिनेटली हम लोग डिटेल में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें आपसे 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। एक आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग आज की डेट में प्यार से क्या बोलते हैं, GST, और एक आप लोगों से पूछा जाएगा बेटा कस्टम्स। कस्टम्स का केवल इंट्रोडक्शन ही आप लोगों के यहाँ पर है, इनका बाइफर्गेशन आपके यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है कि जो GST होगा वो कितने मार्क्स के लिए होगा और जो कस्टम्स होगा वो किस मार्क्स कितने मार्क्स के लिए होगा, तो ऐसा कोई बाइफर्गेशन नहीं है। तो हमें 50 मार्क्स के लिए डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है और 50 मार्क्स के लिए इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, जब बात आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि है ना, पेपर बहुत आसान हो जाएगा जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कई बार बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी होते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने से पेपर इजी हो जाएगा। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि पेपर अटेम्प्ट करना
पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा पॉसिबल होगा, क्योंकि जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको डिटेल में लिखना पड़ता है, और कई बार आप इतना उस चीज़ को एलेबरेट करने में लग जाते हैं कि आप जो समय है उसको ध्यान में नहीं रखते और आपके हाथ से समय निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आपको कैलकुलेशन कोई करके दिखानी ही नहीं है, आपने अपनी कैलकुलेशन रफ पर करी, कैलकुलेटर पर करी और अपना आंसर दे दिया, तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बात के लिए सहूलियत मिलेगी कि आपको पेपर 100% अटेम्प्ट करना आसान होगा। अब मैं आपको बात करता हूँ अपने पढ़ाने के संबंध में। तो जब हम लोग पढ़ाई अपनी स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको हर एक चीज़ के लिए डिटेल नोटिंग करवा कर चलूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपके सामने कोई किताब रखूँगा और मैं आप लोगों से कहूँगा चलिए इस किताब की रीडिंग लगाना शुरू करते हैं, कोई टिपिकल वर्ड आएगा, कोई क्लॉज आएगा, मैं उसको एलेबरेट कर दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लेना। नहीं, मैं पूरा टैक्सेशन आपको एक लिखवाते हुए चलूँगा, प्रॉपर नोट्स बनवाते हुए चलूँगा, साथ में मैं वहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चंस भी डील करूँगा। मेरे जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ मतलब आपको लगेगा कि यार दिस क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव टाइप, तो हमारे लिए इररिलेवेंट है। नहीं बेटा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लगेगा पर उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, तो वो सीधे आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। मैं आपसे थ्योरी भी डिस्कस करते हुए चलूंगा, तो ऐसे में थ्योरी क्वेश्चंस भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो आप ये मत सोच के चलिएगा कि अरे तो थ्योरी क्वेश्चन लिखवा रहे हैं और हमारे लिए इररिलेवेंट है। नहीं, आपसे थ्योरी क्वेश्चंस में से भी एमसीक्यूज निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिटेल नोटिंग करेंगे। पहले मैं हमेशा चीज़ें आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं जो आपको प्रोविजन समझा रहा हूँ उसको मैं आपको लिखवाऊंगा, और उसके बाद मैं उस प्रोविजन्स के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जिसके संबंध में मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन डील ना करूँ। मतलब आप लोग मुझे है ना, जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं वो मुझे एक बड़ा अच्छा नाम देते हैं, मुझे नाम देते हैं एग्जाम्पल बाबा। बाबा शब्द आज की डेट में बड़ा मतलब रिस्की टाइप का है, पर है ना कोई बात नहीं, बच्चों का प्यार है तो उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, तो बच्चे बोलते हैं एग्जाम्पल बाबा। क्योंकि मैं इतने ज़्यादा आप लोगों को क्लास में एग्जाम्पल करवा दूंगा कि आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो पूरा का पूरा सीधे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपनी जर्नी को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपको एक आपका सब्जेक्ट का और एक अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने पढ़ाने के तरीके के संबंध में मैंने आपको बताया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए। ठीक है।